हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाइडर जी। आज के वीडियो में मैं आपको एक वैकेंसीज के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आई है फ्रॉम, अगर हम यहाँ पे देखें कहाँ से आई है, ये CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB की तरफ से ही आई है। यहाँ पर बहुत सारी टेम्प्रेरी पोस्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट की पोस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डेट होनी चाहिए वाली है इंटरव्यू की 20 अक्टूबर, सुबह 10 बजे इंटरव्यू होगा और वाया वीडियो कॉल होगा, तो आपको कोई ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एट लास्ट के ऊपर है, एक पोजीशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि आपकी इनमें से किसी में मास्टर्स होनी चाहिए और आपकी एज इतनी होनी चाहिए। पोस्ट नंबर सेकेंड के बारे में हम देखें तो ये यहाँ पर है, पोस्ट है टू इवेल्युएट प्रोटेक्टिव थेरेपेटिक इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल बायोएक्टिव कंपाउंड्स, ये यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर 2 है। इनमें से आपके किसी में भी एक में मास्टर्स होनी चाहिए, एज आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड पोजीशन यहाँ पे, पर सेकंड पोजीशन के लिए ये है कि अगर आपने सेल कल्चर एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी, डिजायरेबल है यहाँ पे। थर्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट ये है, यहाँ पर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ये सब चाहिए, डिजायरेबल है कि आपने सेल कल्चर या मॉलिकुलर बायोलॉजी में कुछ एक्सपीरियंस हो, आपका एज इतनी चाहिए इस तारीख तक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट है यहाँ पर AITS के ऊपर, डॉक्टर वीरेन सरदाना के अंडर है ये, फोर्थ यहाँ पर प्रोजेक्ट है ये अभी जो हमने देखा, ये आपकी एज इतनी होनी चाहिए इस तारीख तक, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सकती है इनमें से किसी में भी, या फिर ME MTech हो सकती है इनमें से किसी में, या फिर डॉक्टरल डिग्री हो सकती है इनमें से किसी में, और यहाँ पर डिज़ायरेबल है कि आपने यहाँ पे इन सब में से आपका कुछ तो हो आपके पास, तो ये डिज़ायरेबल है। फिफ्थ प्रोजेक्ट है डॉक्टर देवाशीष दास के अंदर, यहाँ पर एज आपकी इतनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन मेडिकल इमेजिंग होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर है क्रिस्पर मेडिएटेड जेनेटिक करेक्शन ऑफ सिकल सेल डिजीज टूवर्ड्स क्लिनिकल ट्रायल्स इन अ स्मॉल पेशेंट कॉल्ड, देबो ज्योति के अंडर है ये मैम, देबो ज्योति के अंडर यहाँ पर 6th है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, डिजायरेबल ये है। अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, एज आपकी इतनी रहनी चाहिए। 7th और 8th आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या है, 7th और 8th क्या क्या डिजायरेबल मांग रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे किसके अंडर है, एज कितनी चाहिए, ये सब यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें 9th है यहाँ पर, वो सेम जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ये देखा था, तो इसी प्रोजेक्ट में एक और पोजीशन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। और यहाँ पर 10th जो जॉब है वो 2 है, 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की ये जॉब है, यहाँ पर आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और डिजायरेबल ये होगा तो अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 को 31,000 रुपीज़ मिलेगी अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी नेशनल वाइड एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है, CSIR नेट गेट या आपने कुछ क्लियर किया, और अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो आपको 25,000 रुपीज़ मिलेगा, दोनों में ही आपको प्लस HRA मिलने वाला है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में आप रखते हैं तो आपको 35,000 रुपीज़ मिलेगा वंस अगेन अगर आपने कोई एग्जाम क्लियर किया है, और 28,000 रुपीज़ अगर आपको मिलेगा अगर आपने क्लियर नहीं किया, दोनों ही कंडीशन में आपको HRA मिलने वाला है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट में 42,000 प्लस HRA, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में 56,000 प्लस HRA, इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑफ एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने बता रखा है कि रेज रिलैक्सेशन है जैसे कि आप इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उस हिसाब से, यहाँ पे हमारा फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 6th अक्टूबर, तो 6th अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नो एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन विद रिजल्ट अवेटेड स्टेटस और आफ्टर ड्यू डेट, तो यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड में ये नहीं लेने वाले हैं, नहीं आपसे करेंगे ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आपको लगता है कि नो TA DA विल बी पेड, वैसे तो अब आपका ये ऑनलाइन ही होने वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होने वाला है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर है, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू कीप रेडी विद देम अ वैलिड फोटो ID कार्ड एंड अपडेटेड साइंस CV, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल ID, डिजर्टेशन इन PhD thesis इफ एनी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेलेबल असिस्टेड कॉपीज फॉर वेरिफिकेशन, ये सब इन्होंने किया हुआ है। कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग प्लीज इंश्योर दैट यू फुलफिल द क्वालिफिकेशन, इफ यू अप्लाई विदाउट फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन दैट इट विल कंसिडर दैट यू आर गिविंग रॉन्ग और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन।
द ऑनर्स ऑफ दिस एक्शन विल बी ऑन द कैंडिडेट एंड नॉट ऑन द साइंटिस्ट एचआर डिवीजन और द इंस्टीट्यूट. इन केस यू आर फाउंड नॉट टू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड दैट यू हैव मिसलेड इट, देन योर कैंडिडेटचर फॉर द पोस्ट मे बी रिजेक्टेड एट द एनी केस ऑफ दिस. तो ये सब यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है. कैंडिडेट्स विल हैव एन ऑप्शन टू गिव अ रिप्लाई इन हिंदी, आप हिंदी में भी रिप्लाई दे सकते हैं. यहाँ पर इसके बाद बोला हुआ है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स कैप्ट इन द पैनल विल बी पुट अप ऑन द वेबसाइट. पैनल कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर 6 months के लिए कंसीडर किया जाएगा. इफ एनी पीआई कंसीडर्स दैट द पैनल कैंडिडेट मीट हिज हर रिक्वायरमेंट फॉर देयर प्रोजेक्ट दे विल बी कॉल्ड, अदरवाइज द एडवर्टीजमेंट विल बी पुट अप. तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कहानी है. इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं गाइज. यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 a.m. ये होने वाला है, वीडियो कॉल के थ्रू होगा. एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आपको यहाँ पे फुल नेम डालना है, फोटो फाइल डालनी है, CV डालना है, पोस्ट अप्लाई डालना है, आपको जिसकी चीज़ के लिए भी अप्लाई करना है और आपको अपलोड कर देना. इस तरीके से यहाँ पे है. अगर आपको इसी तरीके से और अपडेट्स चाहिए जॉब के तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को गाइस. थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस.